नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काय। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, जो इस वर्ष 17 सितंबर 2018 को है। पुराणों में इस दिन को श्री राधा जी का अवतार दिवस माना जाता है। राधा जी वर्ष भानु के यज्ञ से प्रकट हुई थी। शास्त्र पुराण आदि में इनको कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया जाता है। राधा जी सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी। राधा अष्टमी पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातः उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजन हेतु दोपहर का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्प माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं, उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गान करें। रात्रि को नाम संकीर्तन करें, एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। इस तरह आप राधा अष्टमी के लिए पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।